हाथरस की दलित बेटी के साथ हुई दरिंदगी को लेकर दलित समाज में भारी आक्रोश है, जिसके चलते मुरादाबाद में कई दलित समाज से जुड़े सैकड़ों लोगों ने सड़क पर निकलकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। मुरादाबाद के कटघर सफाई गोदाम पर एकत्रित होकर सभी दलित समाज सेवी एवं वाल्मीकि समाज ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया, रोड जाम भी किया। उसके बाद हाथों में तख्ती बैनर लेकर दलित समाज की बेटी को इंसाफ की मांग करते नजर आए। कटघर से लेकर करनाल तक पदयात्रा करते हुए सभी दलित समाज नेता एवं वाल्मीकि समाज के लोगों ने नगर निगम दफ्तर पहुंचकर नारेबाजी की। देश की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों को ही दोषी बताते हुए हाय हाय के नारे लगाए। यहाँ सफाई कर्मचारियों का सेवक हूँ, सफाई कर्मचारियों के पूरी तरीके से मतलब सब वाल्मीकि समाज की आज पूरी अगुवाई करने के लिए पूरा संगठन हमारे तमाम वाल्मीकि समाज के सारे साथी सारे संगठन हमारे साथ देखो करके बहन मनीषा जी के साथ जो धनिंद की गई है उस विषय पर आज पूरा एक वाल्मीकि समाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज जो है बहन मनीषा के लिए आज पूरे एकत्र होकर के हम अपना सड़कों पर रोष जताना चाहते हैं। क्या मांगे हैं और क्या वजह है? मांग कोई नहीं है, मांग हमारी है कि दरिंदों को फांसी दी जो बहन मनीषा के साथ दरिंदी की गई है और वहाँ के जिला प्रशासन ने जो बिल्कुल उसको अनदेखी करके और मिट्टी का तेल डाल के या डीजल डाल करके उसके अंदर जो उसकी चिता में आग लगाई है और उसके परिवार को नींद दी गई है, हमारी मांग है कि वहाँ के डीएम को बर्खास्त किया जाए और वहाँ के एसएसपी को भी बर्खास्त किया जाए और जिस पुलिस कर्मचारियों ने जिस अधिकारियों ने चाहे वो एसडीएम हो डीएम हो कोई भी हो जिसने भी हरकत करी है बहन मनीषा के परिवार के साथ में उनको तत्काल बर्खास्त की जाए और तब तक हम लोग दोषियों को फांसी और दोषियों को फांसी लगनी चाहिए। इसलिए आज पूरा दफात के अंदर पूरी तरीके सफाई तमाम संगठनों ने पूरी तरीके चौपट कर दिया। हम लोग आज अभी सड़कों पर नहीं उतर रहे, अभी अपनी बात करने के लिए बहुत गति बना हुए हम लोग, इसलिए कि अभी हम लोग ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहते जिससे कि प्रशासन जिला मुरादाबाद का यहाँ का परेशान हो। हम लोग चाहते हैं कि हमारी बात जो अभी हम लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांग को पूरी तरीके से मजबूती से रखें। बहन मनीषा के तमाम जितने भी दरिंदों को हम लोग चाहते हैं जिन्होंने भी हरकत उसके परिवार उसके घर के साथ की उस दरिंदों ने, हम उनको फांसी दिलाने की बात कर रहे हैं। बहुत शांतिपूर्वक हम अपना आंदोलन चला रहे हैं, अभी कोई झगड़ा अभी कोई विवाद ऐसा नहीं है। अगर हमें छेड़ा गया सरकार और प्रशासन ने अगर यहाँ के तब हम लोग सड़कों पर उतर के इस मुरादाबाद का नक्शा बदल देंगे, ये हम बता देना चाहते हैं। आज पूरे देश के अंदर वाल्मीकि समाज और अन्य संगठन तमाम दलित वर्ग के संगठन हमारे साथ आज खड़े हैं, तमाम और कौम के भी लोग तमाम व्यापारी लोग तमाम मुस्लिम भाई लोग सभी लोगों को पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिन जिनको दर्द है बहनों का जिनको दर्द है बेटियों का जिनके साथ मनीषा को दर्द है आज पूरी तरीके से मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने कम से कम एक वाल्मीकि दलित बेटी के साथ में जिस तरीके से खड़े होने का पूरी शक्ति दिखाई है मैं उनका भी बड़ा सम्मान करता हूँ वाल्मीकि समाज के नाते। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बहन मनीष की जिस तरीके से दरिंदगी की गई है उसके अंदर पूरे भारत एक साथ खड़ा हो और देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को बता दिया जाए क्योंकि उनकी ना कोई बेटी है ना उनकी कोई बहन है ना उनकी कोई औलाद है, इसलिए उनको किसी बेटी का दर्द नहीं है। देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को इसलिए बता देना चाहता हूँ उन्हें दर्द होना चाहिए। दलितों का जितना हत्याचार इस सरकारों के अंदर हुआ है किसी सरकार के अंदर नहीं हुआ, और हत्याचार होता ठीक है दरिंदगी के जिन जो मुलजिमों ने वो भी ठीक है लेकिन सरकार के अंदर ये हाथरस में जो घटना हुई थी तो यहाँ पे मुरादाबाद में जो वाल्मीकि समाज ने उसी के संबंध में विरोध प्रदर्शन निकाला था और अभी ये टाउन हॉल में आकर यहाँ पे इन्होंने अपनी बात कही है और इस समय यही पार्क में सामने डिस्कशन इनके द्वारा किया जा रहा है आपस में और इस समय पूर्ण शांति व्यवस्था बनी हुई है और इन्होंने शासन प्रशासन को भी पूर्ण रूप से सहयोग देने की बात कही है और अपने समाज के लिए हितकारी काम करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहने के लिए भी इन्होंने अपनी बात प्रस्तुत करी। इसमें इन्होंने अपने लोगों से आग्रह किया था कि जो घटना हुई हाथरस उसमें सभी लोग इनका सहयोग करें, तो इसमें यहाँ पे जो व्यापारी संगठन है उन्होंने भी अपने सहमति से इनका सहयोग दिया है तथा इस घटना के संबंध में इनका साथ दिया है और जो यहाँ का जो समाज है यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे
इस मुरादाबाद शहर के अंग प्रतिरंग हैं, तो इस संबंध में सभी लोग इनके साथ हैं, इन्होंने बात कही है और इसी के चलते यहाँ के व्यापारी संगठनों ने भी इनका पूर्ण सहयोग देने की बात करी है।